अलादीन? वो मेरा भाई है। सलाम सुल्तान। ये तुम्हारे भाई हैं? हाँ। तुम इनके भाई हो? भाई? बगदाद की सुल्ताना जी? बड़ी उस्ताद, मुझे जरीना ने बताया उनके बारे में। आप याद करने की कोशिश कीजिए ना, शायद आपको कुछ याद आ जाए। कुछ याद नहीं आ रहा। यास्मीन, यास्मीन हमें माफ कर दो, हमें कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं बड़ी उस्ताद, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने खामखा आपको इतना परेशान कर दिया। आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। इनको तो कुछ याद नहीं आ रहे। अभी चाहे मुझे बगदाद के घर घर में जाकर पूछताछ क्यों ना करनी पड़े, पर मैं जफर को खत्म करने से पहले अपने सारे सवालों के जवाब लेकर रहूंगी। और इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सवाल है बगदाद की सुल्ताना। मेरा बच्चा है तू, सबसे पहले किसके पास जाने का रे बिड़ू? उसी के पास जिसे पता सब कुछ है पर बोलती कुछ नहीं। हाँ, हम इनके भाई हैं। अब हम आपको पूरी बात समझाते हैं। थोड़ा सा दरअसल ये हमारी चाचा की फूफी की बेटे की बीवी के यहाँ से। चाची के फूफी की बीवी के बेटे की बीवी के? क्या नहीं समझा? नहीं, ये हमारी चाची की फूफी की बेटे की बीवी के यहाँ से है। हम बगदाद में नहीं थे ना कुछ दिन, दरअसल मैं इनसे मिलने गए थे। दरअसल क्या है ना सुल्तान, इनके अम्मी अब्बू गुजर गए ना, अभी इनका कोई नहीं है, बेचारी अकेली है, इसलिए इन्हें हमने अपनी बहन बना ली और इनको ये घर को बसाने की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली। रिश्तेदार दूर कैसे होते हैं साले? है? साहब, अरे तुम्हारी बहन के होने वाले शोहर तो तुम्हें यही कहकर पुकारेंगे ना साले साहब। चलो आदत डाल लो इसकी। हमने खामखा इस लड़के को शक किया, कितना अच्छा लड़का है ये, और इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी बहन ज़रीना बेहतरीन। अब वो अपनी बहन की फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन हमारी बहन, या जो कुछ भी होता है वो, समझ गए? फिक्र तो होगी ना सुल्तान, आखिर वो हमारी बहन है, और आजकल अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं? मिलते हैं, बस देखने की जरूरत है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, बस गौर से देखने की जरूरत है। कहाँ देखें? सामने। लेकिन आपको देख के क्या करें? अचार डाल लूं? हम आपकी बहन को अपना महल दिखाना चाहते हैं। अलादीन, मैं महल देखना चाहती हूँ। अब जफर और ज़रीना है राजी तो फिर क्या करेगा ये काजी? जरूर देखिए, शौक से देखिए, शौक से आइए। क्या बात है चुर्मी, जफर को ज़रीना से इतनी जल्दी मिलवा के आधी मुश्किल दूर कर दी। जफर तो ज़रीना पर फिदा हो गया, बहुत जल्द बर्बाद भी होगा। Thank you.
पर डर। तुम्हें याद है जब मैंने जहर से कहा था कि सुल्तान वजीर थे, तो वो कैसे घबरा गई थी। हाँ बीड़ू, मैदे के माफिक सफेद पड़ गेली थी। बिल्कुल, ऐसे जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तभी उसने घबरा के तेरे को जाने दिया था। वो चंद श्याणी किसी रात के ऊपर चौकड़ी मार के बैठे ली। अच्छे से तलाशी लेना, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। रिपोर्टर, वो क्या है? चुप रहे बीड़ू। आइए। आप सोचेंगी ये क्या जगह ले आए आपको, लेकिन ये वो जगह है जहां हमारी बहन जहर काम करती है। इन सबको देख रही हैं आप? ये अलग अलग किस्म की दवाइयां हैं जो हमारी बहन बनाती है, जो कोई भी चीज का इलाज कर सके। जैसे बड़े को छोटा बना दे, छोटे को बड़ा बना दे, बुरी से बुरी बीमारी का इलाज कर दे। यही है कि बीच में हालात थोड़े खराब थे तो उसने तेल बनाना शुरू कर दिया। क्या बात है सुल्तान, क्या बात है? आपकी बेशक। यही वो बिच्छू बीड़ू है, पर ये तो दोनों एक दूसरे को मक्खन लगा रहे ले है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कौन किसे फंसा रहे। आए ये देख, इसे देखें, इसके पीछे जादुई आईना। वो आईना जो हकीकत बयां करता है, झूठे का झूठ, सच्चे का सच, सब। सच्चाई का है ना? बोले तो आप देखना चाहें? बेशक। अब आप इतनी खूबसूरत हैं तो जाहिर सी बात है आपका अक्स इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। वादा होने वाला है बाप। अगर सफर ने आईने में देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। क्या करूं? माफ कीजिए हुजूर, जहर भी को होश अब तक नहीं आया है। चलो हम आते हैं। जी हुजूर। आपकी बहन जहर को क्या हुआ है? जहर हमारी बहन काफी दिनों से बीमार है, हमेशा तबीयत नासाज़ी रहती है। इलाज चल रहा है लेकिन ज्यादा फायदा हुआ नहीं, पर ठीक हो जाएंगे। आप परेशान ना हो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहन की होश में आती मैं उससे मिल सकती हूँ? आप हमारी खास मेहमान हैं, बेशक। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ महल में ही रहते हैं। बहन से याद आ गया, एक भाई को अपनी बहन कितनी फिक्र होती है, इसलिए हम अलादीन को इतला कर देते हैं कि आप हमारे साथ महल में रहेंगी। और आपका कमरा कहां पर है? जी चलिए। बच्ची, ये सच का आईना तो जबरदस्त है, सब बोल डालता है। क्या आईना मुझे बता सकता कि बगदाद की सुल्ताना कौन थी?
की सुल्ताना। कि इश्क में महबूब हर तरफ नजर आता है। सही सुना था। अलादीन आता ही होगा। उसे आते के साथ बता दूंगी कि मेरी लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी बस अब खत्म, क्योंकि उसकी बहन ने वो जिम्मेदारी निभा ली है। सच में ये इंसानों की दुनिया कितनी खूबसूरत है। इंसानों की दुनिया में आके मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। पहले मैं अकेली थी, अब मेरे साथ मेरा भाई है, मेरी मोहब्बत है। बस किसी की नजर ना लगे इस खुशियों को। ज़रीना, अलादीन, अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छा हुआ आप आ गई इस मुल्क में हम सबको बचाने के लिए। वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं, पहले आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए शुक्रिया और तारीफें तो ले लीजिए। हम सोच रहे थे कैसे हम आपको यार से कैसे मिलवाएं, लेकिन आप तो बड़ी तेज निकली। मानना पड़ेगा, मुलाकात भी कर ली और दीवाना ही बना लिया। अय्यार? हाँ अय्यार, बगदाद के सुल्तान अय्यार जफर। जफर अय्यार? हाँ वही अय्यार है। आपने खेल शुरू करने में देर नहीं की, अब खत्म करने में मत भूलो। खेल को भी और इस दुश्मन को भी। मुझे क्या करना होगा? इस गुलदस्ते पे अपने जहर का कुछ कतरा छिड़कना होगा। जहर सुल्तान जफर के लिए, अय्यार जफर के लिए। नहीं ज़रीना, नहीं, तू कमजोर नहीं पड़ सकती। अलादीन ने तुझे अपनी बहन मानकर तुझ पर भरोसा किया और तूने वादा किया कि तू अय्यार को खत्म करेगी। अपनी बदकिस्मती को अपने भाई की मायूसी की वजह नहीं बनने देगी। खेल के ये हुई ना बात, अब इस गुलदस्ते की महक सुनकर वो बेहोश हो जाएगा और फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी आप उस पर डंक मारकर इस सारी ताकतें खत्म कर दीजिएगा। ऐसे तो हम अपने सोए हुए दुश्मन पर वार नहीं करते, पर क्या करें, ये जो है ना हमारा दुश्मन, ये खुद ही इतना बेमान है, थोड़ी बहुत चालें तो चलनी पड़ती। हम आपको ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप कुछ कहने वाली थी ना? मैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या है ना अलादीन, पहली बार किसी इंसान ने मुझ पर भरोसा किया है, तो नई नई खुशी है ना, संभाल नहीं पा रही हूँ। हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ये तीतर पटेल की जोड़ी ना, नाज़नीन और मुस्तफा, छुट्टियाँ ज्यादा लेते हैं और काम कम करते हैं। काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है। अरे तो आप मत करिए ना अम्मी, मेरा मतलब है बड़ी उस्ताद। आप तो बड़ी उस्ताद हैं। आप जाके पढ़ाइए बच्चों को या फिर उनके कानों में ठीक। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम आज अपने आका को छोड़कर मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? अरे क्योंकि आप हमारी अम्मी है, मेरा मतलब है बड़ी उस्ताद है, अम्मी जैसी है। और वैसे भी ये सफाई का जिम्मा आप हम पे छोड़ दीजिए, गंदगी को हम नहीं करेंगे माफ, कर देंगे सब कुछ साफ। और अगर आपको कुछ करना ही है तो आप बिरयानी बनाइए, शीर कोरमा बनाइए। कितने दिनों से हमने आपके हाथ का शीर कोरमा नहीं खाया। तुम और तुम्हारे आका ना बिल्कुल एक जैसे हो दोनों। वो भी मुझे अम्मी कहकर पुकारता रहता है और आज तुम भी। कभी कभी तो लगता है कि तुम दोनों ना आका और जिन नहीं बल्कि भाई हो। आपको सही लगता है अम्मी?
हम दोनों भाई हैं और आप हमारी अम्मी। काश मैं आपसे ये सब कह सकता और आपके गले लग सकता। यास्मीन, सीटी बज गई बिड़ू, मेरा मतलब बड़ी उस्ताद। क्या हुआ यास्मीन? ये सच के आईने के सामने खड़ी हो गई और मालूम आईने में कौन दिखा? बगदाद की सुल्ताना। मतलब आपको सब पता चल गया? काका, क्या पता चल गया मुझे? कौन सा सच? अब मैंने मैंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि सुनना, देखना, बोलना सब बंद कर दूँ, सब बेकार है। जीनू, झूठ मत बोलो। तुमने अभी कहा कि मुझे कुछ सच पता चल गया, क्या सच बताओ, अभी बोलो। जीनू, सुन रे खजूर, दिमाग का दही हुआ पड़ा है, अभी पंगा नहीं लेने का। सच नहीं बोलेगा ना तो अपन तेरे को मस्त खर्चा पानी देंगे क्या? बोलो जीनू। चटर पटर, मुझे बात करने दो। जीनू, हमसे झूठ बोलोगे? कैसी बातें कर रही है अम्मी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? तुमने हमें अपनी अम्मी कहा, अब तुम्हें अपनी अम्मी की कसम, सब सच बताओ। हाँ, अम्मी की कसम, मर गए। आइए। ये सब ताकि हमारा मकसद अपने अंजाम तक पहुंच जाए। याद है ना, ये वही फूल है इस पर आपने अपना जहर छिड़का था। इस फूल को सूंघते ही जफर बेहोश हो जाए। और फिर आपके पास उसे डंक मारकर यहां से निकलने के लिए काफी वक्त है, लेकिन फिर भी जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा। इस दुनिया का आने वाला कल बाप के हाथों में है। तुम फिक्र मत करा लाते, हमारे होते हुए किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब से आप हमारी जिम्मेदारी हैं। अलादीन, वो तुम शायद कुछ बता रहे थे ना, तुम्हें कुछ जरूरी काम है? हमें तो कोई काम नहीं था। अरे था ना वो काम, जरूरी काम, जरूरी काम। ठीक है तो फिर हम जाते हैं, आप जरूरी काम करिए। जाते हैं, जाइए जाइए। खुदा हाफिज, कभी नहीं वापस। आपकी कलाई माशाल्लाह। आपको देखती तो समझ नहीं आता, अब ख्वाब है या हकीकत? और हम आपको देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि आप ख्वाब हैं, क्योंकि हकीकत इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। और हम खुदा से एक ही दुआ मांगते हैं कि ये हमारा ख्वाब और हमारी नींद कभी टूटे ही नहीं। हमें सच जानना है जीनू। मुझे भी, अपन को भी बाप। देखिए, अगर आप लोगों को सच जानना है तो मैं सच बता देता हूँ, लेकिन पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये किस्मत का खेल है, इसमें मैं दखलंदाजी नहीं कर सकता। ए जलेबी की दुकान, गोल गोल बातें नहीं करने का, जो पता है साफ साफ बोल डालने का। ठीक है, सीधी सीधी बात सुनिए ना, तो सुनिए, आपने आईने में जो देखा था वो बिल्कुल सही देखा था। आप पिछली जिंदगी में वाकई में बगदाद की सुल्ताना थी। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.